हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद रफीक और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इनविक्टस बाइकर। तो गाइस, आज के टॉपिक में हम तीन चीज़ों की बात करने वाले हैं, एक तो चेन ड्राइव, एक तो बेल्ट ड्राइव और एक शाफ्ट ड्राइव। आप सोच रहे होंगे एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ें ज़रूर बता दूं। पहली ये कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलें। और दूसरी बात, ये बात भूलना मत कि हमारे इस चैनल का मकसद क्या है, गरीब और यतीम बच्चों की मदद करना। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, उनमें एड्स आते हैं, एड्स को स्किप नहीं करना है, एड्स को देखना है, उन्हीं से पैसे मिलते हैं जिनसे गरीब और यतीम बच्चों की मदद होती है। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं वीडियो में और आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो गाइस, नंबर वन पे आता है हमारा बेल ड्राइव, नंबर टू पे आता है चेन ड्राइव और थर्ड पे आता है हमारा शाफ्ट ड्राइव। ये क्या चीज़ें होती हैं और किसके काम की हैं मैं बताता हूँ। बेल ड्राइव, चेन ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव, ये तीनों एक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपकी बाइक या आपकी स्कूटी चलती है। तीनों के अपनी अपनी खासियतें हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सब शेयर करूँगा आगे। सबसे पहले बात करेंगे बेल ड्राइव सिस्टम की। तो बेल ड्राइव सिस्टम जो है वो हल्का होता है, उसको चलाते हुए शोर भी नहीं आता है और उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये तो हैं कुछ ऐसी बातें जो बेल ड्राइव को अच्छा बनाती हैं। अब चलते हैं चेन सिस्टम पे। चेन सिस्टम की खासियत ये है कि उसमें पावर लॉस बहुत कम होता है, उसकी मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा महंगी नहीं होती और उसके साथ साथ उसकी खासियत ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा पावर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने इंजन से अपनी व्हील्स तक। अब बात करते हैं शाफ्ट की। शाफ्ट ड्रिवन सिस्टम ऐसा है जिसमें आपकी बाइक या वैसे बाइक में ही शाफ्ट ड्रिवन सिस्टम यूज़ होता है ज़्यादातर। तो उसकी खासियतें ये हैं कि उसमें मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने पिछले वाले व्हील तक। और तीसरा ये कि इसकी दो ही खासियतें हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनकी नेगेटिव्स की तरफ। बेल ड्राइव में डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम कहें तो ये है कि अगर वो कभी चलते चलते कट गया भैया, उसको रिप्लेस करना मुश्किल भी है, महंगा भी है। और बेल ड्रिवन सिस्टम जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो महंगे भी होते हैं, इसलिए आपको वो ज़्यादातर नहीं दिखते हैं अपने बाइक्स में। उसके बाद बात करते हैं चेन ड्राइव सिस्टम की। उसकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि चेन जो है उसको हर 500 से 700 किलोमीटर में आपको भैया साफ़ करना पड़ता है, ल्यूब करना पड़ता है, क्योंकि जो चेन है वो चलते चलते इतनी खिंच जाती है कि वक्त आते आते वो खुलने लग जाती है, यानी उसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी बढ़ने लग जाती है। उसके चक्कर में क्या आपको एडजस्ट करना पड़ता है उसको हर बारी 500 से 800 किलोमीटर के अंदर अंदर, और वो सिस्टम जो है खुला रहता है, उसमें गर्दा कीचड़ मिट्टी जो भी है सब लग जाती है, तो उसको रेगुलर साफ करना पड़ता है। तो वो एक उसका नेगेटिव पॉइंट है। एक और प्रॉब्लम ये है कि वो चलते चलते शोर मचाती है, ठीक है। अब बात करते हैं शाफ्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल या बाइक्स की। उसकी प्रॉब्लम ये है कि शाफ्ट जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री तो है, ये उसका खासियत है, लेकिन उसके हिसाब से प्रॉब्लम ये है सिस्टम जो है वो बहुत भारी होता है, आपकी बाइक या गाड़ी का वज़न या जो भी आप चला रहे हैं जिसमें वो लगा है उसका वज़न उससे बढ़ जाता है। और उसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर वो भी टूट गया या ख़राब हो गया तो उसको भी रिप्लेस करना, रिपेयर करना महंगा पड़ता है, ठीक है। वो छोटी मोटी बाइक्स में नहीं आता क्योंकि उसको चलाने के लिए बहुत टॉर्क चाहिए, और जो हल्के सिलेंडर वाले और छोटे इंजन वाले बाइक्स या स्कूटी हैं उनमें इतना टॉर्क नहीं होता कि वो आपकी बाइक या स्कूटी को चला पाएँ। तो वो मुश्किल से आपको 600 सीसी या उससे ज़्यादा सीसी के इंजन जो रखती हैं बाइक्स उनमें मिलेगा वो वाला सिस्टम, ठीक है। हाँ जी, तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सिस्टम्स हैं ना तीनों, इन तीनों का काम यही है कि इंजन का पावर टायर तक पहुंचाएं, लेकिन इस प्रोसेस में ना कुछ पावर जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब तीनों में कितना लॉस होता है वो बताता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा लॉस होता है आपके शाफ्ट ड्रिवन सिस्टम में, उसमें 20 से 30% का पावर लॉस होता है, इसलिए वो छोटी बाइक्स में नहीं लगता, उसके लिए बड़ी बाइक्स चाहिए जिनका पावर बहुत ज़्यादा हो, ताकि अगर लॉस भी हो जाए तो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका बेल ड्राइव। बेल ड्राइव सिस्टम जो है वो भी आपके इंजन से पावर अपने व्हील तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, लेकिन उसमें 5 से 15% का जो है पावर लॉस हो जाता है। और सबसे एफिशिएंट जो है, सबसे अच्छा जो है वो चेन ड्राइव सिस्टम है, क्योंकि चेन ड्राइव सिस्टम में सिर्फ 5% आपका जो लॉस है पावर का वो हो जाता है। तो ये तो थी इनकी खासियतें और इनकी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपसे शेयर की। अब लास्ट में जाते जाते आपको ये बताऊं कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है।
चेन ड्राइव सिस्टम आपको नॉर्मली 100 cc से लेके 600 cc तक की या 1000 cc तक की बाइक्स में मिलेगा। चेन ड्राइव सिस्टम में क्या होता है, एक छोटी सी स्प्रॉकेट होती है, एक बड़ी सी स्प्रॉकेट होती है। असल में स्प्रॉकेट क्या होता है, एक गोल डिस्क जैसी होती है जिसपे कांटेदार दांत लगे होते हैं जिनके ऊपर चेन घूमता है। आपने देखा होगा साइकिल में लगा होता है, बाइक में लगा होता है, तो वो होता है चेन ड्राइव सिस्टम। उसके बाद जो बेल्ट ड्रिवन सिस्टम है वो आपको दो ही जगह में नॉर्मली दिखता है, या तो कुछ स्कूटीज में दिखेगा जिनका वो जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बंद रहता है, उसी के अंदर एक बेल्ट घूमती है जिससे पावर आगे पीछे जाता है। और दूसरा आपने देखा होगा जो हाई एंड बाइक्स हैं, जैसे हार्ली डेविडसन की है या यामाहा वीमैक्स है या उस तरह की कुछ बाइक्स हैं जिनमें वो सिस्टम यूज़ होता है। और तीसरे नंबर पे है आपका शाफ्ट ड्रिवन सिस्टम, वो नॉर्मली छोटी बाइक्स या स्कूटीज में नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया उसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए जो छोटी बाइक्स या स्कूटीज में नहीं होता। वो बड़ी बड़ी क्रूजर्स में आपको मिलेगा, चाहे हार्ली डेविडसन हो चाहे उसकी जैसी बाकी बाइक्स हो, उनमें आपको वो सब मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें थी हमारे पास अभी जिनका हमने कंपैरिजन किया। अब आपके पास कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हो तो प्लीज़ नीचे ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे या किसी चीज़ के ऊपर कोई वीडियो बनाएं, उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बोलिए और हम उस पर वीडियो बनाने का और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने तक का बहुत बहुत ज़ोर का प्रोसेस करेंगे सॉरी तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए या वो वीडियो बनाने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे। और बाकी खुश रहें, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।